दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्याम रंगीला है। मैं कॉमेडियन हूँ, लोगों को हंसाने का मेरा काम है। जब भी मौका मिलता है मैं कोई ना कोई वीडियो डाल देता हूँ जिससे लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए। अभी पेट्रोल महंगा हो रहा है धीरे धीरे, आपको भी पता है। जब ये 94-95 रुपये था तो लोगों को लग रहा था यार महंगा हो रहा है, लेकिन जब यही 98-99 रुपये हो गया तो लोगों को लगने लगा कि यार ये 100 रुपये हो जाए तो मज़ा आ जाए, एक बार 100 रुपये पेट्रोल देख लें। तो जब 100 रुपये हुआ तो मुझे लगा अभी वीडियो डालना चाहिए जिससे लोगों को खुशी हो, थोड़ी चेहरे पे स्माइल आए। हालांकि उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, कोई कम थोड़ी हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा डाल देते हैं। तो मैं उस समय श्री गंगानगर में था और मैंने एक रेंडमली पेट्रोल पंप चुना, मैंने कहा यहाँ वीडियो बना लेते हैं। तो मैं जब पेट्रोल पंप पर गया तो वहाँ दो लोग थे, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सेठ जी से परमिशन ले लीजिए फ़ोन पे। तो मैंने सेठ जी को फ़ोन किया तो सेठ जी ने कहा कि क्या करने वाले हो। मैंने कहा सर वीडियो बनाना है। बोले क्यों बनाना है? मैंने कहा सर ये 100 रुपये से ऊपर हो गया ना पेट्रोल, इसलिए बनाना है। कौन से चैनल के लिए बना रहे हो? मैंने कहा यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है बना लो। मैं जब वीडियो बनाया तो वो दोनों लड़कों ने कहा यार आप हमारे पेट्रोल पंप पे आए हो वीडियो बनाने के लिए, तो आप हमारे पेट्रोल पंप का नाम ज़रूर लेना वीडियो में, ऐसे नाम दिखाना ज़रूर ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वैसे दिखाते हम नहीं हैं लेकिन आप बोल रहे हो तो दिखा देंगे। तो मैंने नाम दिखा दिया और वीडियो बना लिया। तो उन्होंने कहा कौन से चैनल पे कब आएगा? मैंने कहा ये शाम तक आ जाएगा यूट्यूब चैनल पे। मैं वहाँ से चला गया और वीडियो डालने के बाद वीडियो वायरल हो गया। दूसरे दिन सेठ जी का फ़ोन आया, कहते यार आप क्या करके गए हो यहाँ पे? मैंने कहा सर क्या किया है? बोले आपने वीडियो बनाया है। मैंने कहा सर आपसे पूछा था ना? तो कहते आपने पूछा था, आप तो 100 रुपये से ऊपर हो गया पेट्रोल इसलिए बनाने वाले थे। मैंने कहा सर मैंने इसीलिए बनाया है। कहते आप तो यूट्यूब के लिए बना रहे थे। मैंने कहा सर यूट्यूब के लिए बनाया है। कहते नहीं ये वीडियो तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा सर क्या परेशान कर रहा है? कहते नहीं आपने ये गलत बनाया, हमारी छवि को ठेस पहुंची है, हमारी छवि ख़राब हुई है। मैंने कहा सर आपकी अगर छवि ख़राब हुई है उस वीडियो से तो मैं आपकी 4 सेकंड का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मैं हटा देता हूँ और आपसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। कहते नहीं मेरी छवि ख़राब हुई है मुझे चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी कंपनी है उसको बहुत प्रॉब्लम है और मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप देख लीजिए कार्रवाई, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी इसलिए मांगने के लिए तैयार हूँ कि आपको परेशानी हुई है, मैं इसलिए मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे कंटेंट में कुछ दिक्कत है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा करना चाहिए था, उससे आपको परेशानी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो हटा दूंगा, वीडियो नहीं हट सकता है सर, ऐसा मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं है। बट उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं पेट्रोल पंप संचालक की, उनकी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है और उनको मुझ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो तेल की सप्लाई चालू होगी और उनको लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी मिली है ऊपर से, वैसा मुझे सूचना मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मेरे उस वीडियो से किसकी छवि को ठेस पहुँच गई है? क्या उस पेट्रोल पंप को ठेस पहुँची है या उस कंपनी को ठेस पहुँची है? और मुझे जब से ये धमकी मिली है कि आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा तो मुझे तब से ऐसा डर लगने लग गया। मैंने कहा यार मैं कहीं नेक्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी ये जैकेट की कंपनी बोल देगी कि यार हमारी छवि को ठेस पहुंची है। वो साइकिल जो है वो साइकिल की कंपनी वाले केस ना कर दें कि हमारी कंपनी जो है उसकी छवि को ठेस पहुंच गई है क्योंकि श्याम रंगीला इसके ऊपर चढ़ के जा रहा था। मेरे जूते की कंपनी है, टी शर्ट की कंपनी है, सब जीन्स की मेरे को तो डर लग रहा है यार। ये मेरे फ़ोन की कंपनी है वो भी केस कर देगी कि आपने हमारे कैमरे से वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया। तो बड़ा ऐसा मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मैंने गलत क्या कहा था? मैंने कभी किसी भी धर्म के खिलाफ मैंने टिप्पणी नहीं की है, किसी भी धर्म पर मैंने जोक नहीं बनाया है, किसी भी समुदाय पर मैंने जोक नहीं बनाया है। मैं ऐसे जोक बनाता हूँ या ऐसी कॉमेडी करता हूँ कि लोगों को हंसी आए और 2-4-5 दिन में वीडियो वायरल होकर बात खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अब पता नहीं लोगों की कैसी कैसी भावनाएं हैं यार, कैसे कैसे लोगों की छवि है और किस किस वीडियो से कैसे कैसे छवि को ठेस पहुंच जाती है मुझे तो पता भी नहीं चलता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप तक ये बात पहुंची है कि उनकी छवि को ठेस पहुंची है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ऐसी कौन सी छवि को ठेस पहुंच गई जिससे वो लाइसेंस रद्द करने तक की बात कर रहे हैं या वो ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको ज़रूर इसकी सूचना दूंगा। अब तक तो यही हुआ है और यही सारी बातें थी। तो फिर भी पेट्रोल पंप संचालक जी को अगर मेरे वीडियो से परेशानी हो रही है या होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने जो किया मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकता हूं और ना ही मैं वीडियो डिलीट कर सकता हूं। आप सबका सहयोग बना रहे बस मुझे इतना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।